अशोक धम्म विजय दशमी 8 अक्टूबर 2019 को जो फिल्लौर में और कपूरथला में जो देशना धमकी हुई थी मेरे द्वारा, उसमें जो सील बताए गए थे उसमें सीलों का जो क्रम है वो ऊपर नीचे है। मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई ना कोई मेरे को इस बात को कहेगा कि ये ऊपर नीचे आपने बताया है। और एक फोन मेरे पास आया गाजियाबाद से, उन्होंने कहा कि वो बहुत पुराने धमकी संस्था के जानकार हैं और आपने ये सील ऊपर नीचे बनाए हैं। बहुत बातें वो करते रहे अपनी, क्योंकि थोड़े से बूढ़े भी हो गए हैं, मेरी कम सुन रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपने बात कह ली, आप मुझे ये बताइए कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है। वो कहने लगे कि कोई आदमी कमीज़ पहले पहन ले और फिर उसके बाद ऊपर से बनियान पहने तो क्या ये अच्छा है। मैंने कहा धम्म के जो सील हैं वो कमीज और पजामे से आप तुलना नहीं कर सकते। खैर, उन्होंने फ़ोन काट दिया, वो मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए। मगर मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि इस बात की एक वीडियो बना के और सभी को बताना चाहिए कि बेसिकली सीलों के ऊपर नीचे करने से या क्रम के ऊपर नीचे करने से कोई अंतर पड़ता है या नहीं। एक होता है जो भगवान बुद्ध का धम्म का पहला सिद्धांत है, जिसको प्रत्यय समुत्पाद बोलते हैं, प्रत्यय समुत्पाद या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या व्हील ऑफ धम्मा। व्हील ऑफ धम्मा में ये एक व्हील है, यानी एक चक्र है, एक धर्म चक्र है, एक धर्म का चक्र है। इसकी 12 कड़ियां हैं और 12 की 12 कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उनको ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता। अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो वो चक्र बिगड़ जाएगा। ठीक ऐसे ही मौसम का चक्र होता है, जिसमें बारिश आती है, उसके बाद ठंड आती है, उसके बाद में फिर गर्मी आती है, फिर बारिश आती है, चक्र चलता रहता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बारिश के बाद में गर्मी आएगी, क्योंकि वो प्राकृतिक चक्र ऐसा अभी है नहीं। बाद में हो जाए, या कहीं किसी और ग्रह पे हो तो अलग बात है, या कहीं किसी और देश में हो तो हो सकता है, भारत में नहीं है। ऐसे ही एक चक्र होता है जो पहले एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा बड़ा होता है, फिर वो जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। ये एक चक्र है जीवन का जो दिखाई देता है। चक्र नहीं बदले जा सकते, यानी जो चक्र होते हैं उनकी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, उनके कारण होते हैं, वो नहीं बदले जा सकते। मगर अगर कहीं पे कोई कारण है या कहीं ऐसे नियम दिए हुए हैं, 5 नियम हैं या 3 नियम हैं या 2 नियम हैं, उनको ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो बेसिकली इंफॉर्मेशन होते हैं और जानकारी होते हैं। जो 5 सील मैं बताए हैं या जिसमें ऊपर नीचे मैं इसमें क्रम किया है, दरअसल मुझे क्रम याद नहीं रहते, मुझे इस बात में याद रहते हैं कि ये 5 बातें हैं जो बतानी हैं। जो 5 सील हैं उनका विनय पीटक में कहीं कोई जिक्र नहीं है, मगर वो सीलों के समूह हैं। सीलों के समूह इसलिए हैं, और वो अगर आप विनय पीटक के हिसाब से, किताब के पीछे के हिसाब से देखेंगे, तो उसमें जो मैथुन वाला जो सील है वो सबसे पहले है, यानी कामेशु वाला सील सबसे पहले आता है, और उसके बाद में उसमें हत्या का सील आता है, यानी कि पाणातिपाता। तो उसमें सीलों के नियम अलग हैं, मगर वहाँ एक सील में कई सीलें हैं। हम जो 5 सील बोलते हैं, ये बेसिकली 5 सील नहीं है, ये सीलों का बंडल है, यानी कि बहुत सारे सील एक सील में हैं। जैसे कहते हैं पाणातिपाता, तो हत्या बहुत तरह की हत्या होती है जो एक ही सेंटेंस में आ गई है। जब हम कहते हैं कामेशु मिच्छाचारा, तो कामेशु मिच्छाचारा में बहुत सारे जो झूठे व्यवहार हैं, मिथ्या आचरण हैं, मिच्छा आचरण हैं, वो एक ही सील में आते हैं जो नहीं करने हैं। जब हम बोलते हैं अदिन्न दाना, तो इसका मतलब चोरी का सील नहीं है खाली, बहुत सारी बातों का है, चुगली का है, चोरी का है, या झूठ या चोरी का व्यवहार करने का है, या चोरी का मन में लेके आने का है, या कम चोरी करने का है, या चोरी के किसी प्रकार का है, वो आता है। काम चोरी है उसके अंदर, पैसे की चोरी है, सोने की चोरी है, बहुत सारी चोरियां हैं, मन की चोरी है, तन की चोरी है। जब हम सील में आते हैं कि सुरा मेरे मज्जा पा मद इठाना, तो उसमें सभी नशीले पदार्थों के सील आ जाते हैं, और उसमें मद भी आता है, यानी कि आपको कोई ऐसा अगर लत पड़ गई है, ऐसा प्रमाद हो गया है, वो भी उसके अंदर आता है। अगर हम सील कहते हैं मूसा वादा वेरमणि, तो मूसा का मतलब है कि झूठ बोलने और बोलने से संबंधित जितने भी मिथ्या आचरण है उन सबका सील आता है। तो 5 सील नहीं है बेसिकली, ये सीलों का बंडल है। ये बहुत सारे सील हैं जो 5 सीलों में समाहित करके 5 सीलों के नाम से सरल बनाए गए हैं, क्योंकि आपको लगातार अगर कोई ये कहेगा कि 40 सील लेने हैं तो आप बोर हो जाओगे। तो 40 सीलों में या 60 सीलों में या 227 सीलों में या 311 सीलों में सीलों के बंडल बना के, ग्रुप बना के, और उनके ऊपर एक मुख्य
लाइन बनाई गई है, उस लाइन की जो पांच लाइन है उसमें सारे सील आ जाते हैं, इसलिए उसको पंचशील बोलते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कौन सा बोला या नहीं बोला, या बाद में कौन सा बोला या नहीं बोला, फर्क इससे पड़ता है आपने सीलों पे आचरण किया या नहीं किया। आपने सील सुने या ना सुने इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आप बिना सुने भी सीलों का आचरण करते हैं, क्या आप सीलों को प्रैक्टिस में लेके आते हैं, इससे फर्क पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा उम्र के हैं और आपने पूरे सीलों के क्रम रटे हुए हैं या आपको आते हैं और आप हर जगह जाके उनको बोलते हैं बड़े गर्व के साथ में, इससे ना आपका फ़ायदा होने वाला है ना सामने वाले का फ़ायदा होने वाला है, किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। किताब को आप पढ़ लो और किताब की बात को ना मानो, किताब जीरो। आप किसी सभा में जाओ और उसमें सभा में खूब आप लेक्चर सुनो, खूब तालियां मारो, खूब जोर जोर से वाह वाह करो, खूब जोर जोर से नारे लगाओ और बात एक ना मानो, वो सभा जीरो, बात जीरो। वो नेतागिरी है, वो कहीं कुछ नहीं है एक दूसरे को ऊपर अपनी विद्वता दिखाने का, अपना दम दिखाने का, या उसको दबाने का, या उसको गुलाम बनाने का, उसको मानसिक गुलाम बनाने का एक तंत्र है और कुछ नहीं है। आप मानते कितना हो इससे फर्क पड़ता है, और आप जो मानोगे वो अगर किसी दूसरे के लिए मानते हो, किसी को ये दिखाने के लिए मानते हो कि देखो मैं शराब नहीं पीता, तो आप फिर अभी सीखे नहीं धम्म को। आप शराब ना पियो उसका प्रचार करने की क्या जरूरत है, आपको देख के लोग वैसे समझ जाएंगे। चार जगह आप जाओगे, आपसे लोग कहेंगे हाँ थोड़ी सी शराब डाल दें, आप कहोगे नहीं जी मैं नहीं पीता, सीधे सरल भाषा में आप बोल दो, चार लोग वैसे ही शर्मसार हो जाएंगे। आप उनको वहाँ उपदेश दोगे शराब नहीं पीनी चाहिए, मैंने छोड़ दी है और तुम निकम्मे हो, तुम नालायक हो, आप क्या कहना चाहते हो कि आपने शराब पी के बहुत बढ़िया काम किया, अब आप हमें दबाओगे। आपके फायदे दिखाई देंगे वो खुद ही छोड़ देंगे, आपके नुकसान दिखाई देंगे वो खुद ही आपको कह देंगे। इसलिए धम्म में भगवान बुद्ध ने कभी भी अपने धम्म में, या जो उनके भिक्खु संघ हैं भिक्खुओं ने कभी भी अपने आप को प्रमुख नहीं रखा, और ना ही अपने आप को आगे रखा। उनके जो उपासक हैं उन्होंने भी अपने आप को प्रमुख नहीं रखा ना आगे रखा। बात के सार को प्रैक्टिस की या नहीं की, इस बात से आपको फ़ायदा होना है, इस बात से आपके परिवार को फ़ायदा होना है, इस बात से आपके समाज को फ़ायदा होना है, इस बात से आपकी गुलामी दूर होनी है, उसका फ़ायदा है। इसलिए इसमें ना जाएं कि इसका क्रम क्या है, इसका नियम क्या है, इसका क्या है क्या नहीं है, उसको समझें और उसको पालन करें और धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करें। एक साथ तो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा लाएंगे, पहले शरीर से बाहर निकलेगा, फिर मन से बाहर निकलेगा, फिर आप पूरी तरह से आसान हो जाएगा। धन्यवाद।